हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 17 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक्स, जीआरई, नेट, रेलवेज के लिए हमारा करंट अफेयर्स चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट की। हु हैज बीन लॉन्च्ड ए रिवेम्प्ड एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोग्राम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया एंड स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया थ्रू मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस अंडर द बॉन्ड स्कीम ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। किसने भारत में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ सीमा शुल्क अधिनियम, जो कि 1962 में बना था, के तहत बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण एवं अन्य परिचालनों के जरिए मेक इन इंडिया में मजबूती लाने के लिए एक संशोधित एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू जो किया है वह किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। नेक्स्ट, हु हैज बीन लॉन्च्ड फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला। किसने फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला लॉन्च की है? तो लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और यह जो योजना थी यह FSSAI ने शुरू की है, जिसके माध्यम से जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की एक योजना है। नेक्स्ट, हु हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बिकम ए नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। किसने अनाउंस किया है कि 2030 तक भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन क्षमता वाला होगा? तो यह जो किया है वह इंडियन रेलवे ने, और इंडियन रेलवे की बात की जाए तो विश्व में भारतीय रेलवे सबसे बड़ा है, रेलवे है, इसका नेटवर्क सबसे बड़ा है, यह लगभग 1,25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जॉर्जिया? जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किशन दान देवल को, और इन्होंने योगेश्वर सांगवान का स्थान लिया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया है? जेपीएस चावला को, और जेपीएस चावला गिरिराज प्रसाद गुप्ता का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ सेक्रेटरी इन द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री? केंद्रीय कानून मंत्रालय में किसे नया कानून सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अनुप कुमार मेहंदी रत्ता को। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड्स वोन इंडिया? भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो 4 पुरस्कार जीते हैं, और 4 पुरस्कारों की बात की जाए तो फ्लोरा फाउंटेन
आबर मैंसन श्रेणी में मुंबई ने जीता है। केनेथ स्टेल्यू आराधनालय मेरिट अवार्ड मुंबई ने जीता है। ओवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मेरिट अवार्ड मुंबई ने और IIM से विक्रम साराभाई लाइब्रेरी डिस्टिंक्शन अवार्ड अहमदाबाद ने। नेक्स्ट, हु हैज बीन इनोग्रेटेड द 41st DRDO डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में DRDO की 41वीं डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस किसका इनोग्रेशन उद्घाटन शुभारंभ किसने किया? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2019? तो राइट आंसर है 102। दोस्तों, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, यह है भारत के विभिन्न भिन्न भिन्न अंग हैं, जो कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को कचोट रहे हैं, पूरे विश्व को खोखला कर रहे हैं। भारत का स्थान जो कि 2010 में 95वें था, वह 2019 में गिरकर 117वां हो गया है, 102वां हो गया है। भारत 30.3 के स्कोर के पर 117 योग्य देशों में से 102वें स्थान पर है। और शीर्ष स्थानों की यदि बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैव बीन रीएडमिटेड एज ICC मेंबर्स इन ए मीटिंग हेल्ड इन दुबई। दुबई में आयोजित ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मेंबर्स की मीटिंग में किन देशों को वापस से शामिल किया गया है? तो जिम्बाब्वे एंड नेपाल को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन वॉन द 2019 जापानीज ग्रांड प्रिक्स एट द सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स इन सुजुका इन माई प्रीफेचर जापान। और इसका राइट आंसर है मर्सिडीज के वेल्टेरी बोटास ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की, कि आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें, और यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो जो भी आपका क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है, वो भी कमेंट बॉक्स में डालें। इसके साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट करें। अनअकैडमी ऐप को, हमारे वीडियोज को फॉलो करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।